मम्मी आप क्या कर रहे हो? आज मैं नई तरीके के स्टफ गट्टे बना रही हूँ। स्टफ्ड गट्टे? जी, वाओ, किस चीज से स्टफ कर रहे हैं हम? हम स्टफ कर रहे हैं हरी मिर्च में आलू भर के, मोटी हरी मिर्च में आलू भर के, और उसको हम गट्टे के अंदर स्टफ करके और फिर बनाएंगे। ओके, दैट साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही डिफरेंट साउंड कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको क्या-क्या चाहिए? एक तो बेसन चाहिए ओके, गट्टों के लिए, हाँ जी, हरी मिर्च चाहिए मोटी वाली हरी मोटी मिर्च, मोटी वाली, ओके, और आलू चाहिए उबला हुआ। उबला हुआ आलू ले लिया, हाँ, ओके, और उसके बाद हमें चाहिए नमक, हाँ जी, हल्दी, हाँ जी, धनिया पिसा, ओके, लाल मिर्च पिसी, अमचूर पिसा और गरम मसाला, ओके, और थोड़ा सा चाहिए हमें सोडा। खाने वाला सोडा, हाँ, और हींग, ओके, और चाहिए हमें जीरा, अजवाइन, ये भुनी हुई सौंफ है, ओके, भुना हुआ धनिया, भुना हुआ भुना धनिया, धनिया, लाल मिर्च चौक के लिए कश्मीरी लाल मिर्च चाहिए, सूखी लाल मिर्च हाँ, साबुत, और ये है मेथी, कसूरी मेथी, मेथी, कसूरी मेथी, हाँ, ओके, और चाहिए सरसों का तेल। सरसों का तेल, हाँ, ओके, बेसन में सरसों का तेल बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट उसका। अच्छा, हाँ तो सरसों का तेल लेके उसमें बनाएंगे हम। हाँ तो हम सबसे पहले गट्टों के लिए जो बेसन हमें गूंदना है हाँ हम वो जी, गूंद लेंगे। ओके, तो ये मैंने 1.5 कटोरी बेसन लिया है, अच्छा, तो अपने हिसाब से जितना लेना हो, अपनी क्वांटिटी उतना लेना है। अब इसमें हम डालेंगे नमक, नमक स्वाद अनुसार, हाँ नमक ये देख के डालना है हमें कि हम आलू में भी नमक डालेंगे जो हम उसमें भरेंगे, और उसके बाद हम ग्रेवी में भी नमक डालेंगे। अच्छा, थोड़ी सी हल्दी, पिसी हुई हल्दी थोड़ी सी, और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी अजवाइन, ओके, अजवाइन जैसे गैस वैस ना हो इस वजह से अजवाइन, और अजवाइन का फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। और थोड़ी सी हींग, और इसमें डालेंगे थोड़ी कसूरी मेथी, और इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, तो लाल मिर्च भी हम देख के डालेंगे क्योंकि हमें सब चीज में डालनी है। और ये आपकी तेज वाली तीखी वाली लाल हाँ, मिर्च तीखी पाउडर लाल है। मिर्च। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे एक बार, ताकि ये मसाला सारे बेसन में अच्छे से हाँ, मिक्स हो जाए। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, ओके, नहीं पहले हमें इसमें सोडा भी डालना है, तो पहले हम सोडा डालेंगे जिससे वो अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर हम इसमें तेल डालेंगे। तो सोडा हम डालेंगे सिर्फ 1 पिंच, ज्यादा नहीं, 1 पिंच खाने वाला सोडा पाउडर डालेंगे। हाँ, और इसको भी हम मिक्स करके, और फिर इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, जो ये 1 चम्मच, आधा चम्मच डाला हमने, ओके, अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पहले हम डालेंगे थोड़ा सा दही, ओके, तो ये खट्टा दही है, नॉर्मल दही ये है? नॉर्मल जो घर का जमा हुआ सादा दही होता है, ये वो है, खट्टा नहीं है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके गूंद लेंगे, ये हमारा आटा मैंने दही में ही गूंद दिया है, अच्छा, हमने अभी तक पानी नहीं डाला था इसमें आटे में, हाँ और इसको ऐसा गूंद लिया है, तो कैसा, ये थोड़ा टाइट गूंदना है कि नहीं, लूज? ये एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट आटा गूंदना है हमें तो, ठीक और है। जरूरत हो तो पानी डालें, अदरवाइज नहीं तो दही से ही गूंद लें। अच्छा, अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ओके, अब हम ये मिर्च को खाली करके चीरा लगा के इसको और इसका बीज निकाल लेंगे, अच्छा, तो तो मिर्च को चीरा, एक साइड से काट लेंगे और हाँ उसके अंदर जो बीज वगैरह है उसको पूरी तरीके से निकाल लेंगे। निकाल देंगे। तो मैंने मिर्ची के अंदर से अच्छे से सारा बीज वगैरह सब चीज हमने निकाल दिए, ताकि जगह बन जाए आलू।
का वो मिक्सचर इसमें फिल करने के लिए। हाँ, अब हम आलू का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। इसको ये उबला हुआ आलू है, इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो आलू को अच्छे से आपने मैश कर लिया है, उबले हुए आलू को। अब इसमें कोई भी टुकड़ी ना रहे। अब हम इसमें मसाला डाल लेंगे। ओके, तो ये तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट गट्टे हैं, मैंने ऐसे गट्टे कभी सुने नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक एक छोटा चम्मच ये भुनी हुई सौंफ और भुना हुआ धनिया, साबुत धनिया, ये मैंने लेके इसको क्रश कर लिया है। ओके, इसको आपने लेके कूट लिया है थोड़ा सा। गट्टे की सब्जी क्योंकि राजस्थानी कुजीन है तो उसमें सौंफ और साबुत धनिया जरूर डलता है। अच्छा, अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी मिर्च। हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी लाल मिर्च। और हमने इसमें नमक नहीं डाला है तो हम इसमें नमक भी डालेंगे और थोड़ा सा नमक। और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अमचूर। जनरली गट्टे में मिर्च और खट्टा अच्छे से पड़ता है, राइट? हाँ। और थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाले से इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि हमने मेथी भी थोड़ी सी डाल देंगे, कसूरी मेथी, तो इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। अब हम इसको मिक्स करके और मिर्चों में भर लेंगे। अब आलू का मसाला हमारा तैयार हो गया, हम इसको मिर्च में भर लेंगे। ओके, तो आलू में अच्छे से हमने मसाला मिक्स कर लिया है। हाँ। अब हमने जो मिर्चें खाली करी थी उन मिर्चों में हम आलू का मसाला भर लेंगे, जैसे कि मिर्ची वड़ा में भरते हैं जनरली। भरवा मिर्ची बनाने के लिए आप मिर्ची वड़ा में जैसे भरा जाता है ऐसे। हाँ, अच्छे से। तो अच्छे से मिर्ची को फिल कर लेंगे आलू से। हाँ, 10 मिनट हो गए, हमारा आटा भी ब्रेस्ट कर चुका, अब इससे काम करा लें और मिर्ची पे लगा लें इसे। हाँ, क्योंकि गूंद के आटा थक गया था हमारा, तो हमने उसको 10 मिनट रेस्ट पे कर रखा। उतनी देर में हमने मिर्ची भर ली अपनी। तो थोड़ा सा हाथ में तेल या घी ले लें। हाँ। और फिर उसके बाद, क्योंकि बेसन थोड़ा डिफिकल्ट होता है हैंडल करना, अब उसको हाथ से थोड़ा सा बेल रहे हो। हाँ, और इसको मिर्च पे लगा लेंगे अच्छे से, मिर्च को इसमें लपेट लेंगे। तो अंदर है आलू, उसके ऊपर है मिर्ची और उसके ऊपर हम बेसन की कोटिंग कर रहे हैं। हाँ। और इतनी देर में हमने पानी भी बॉईल करने के लिए रख दिया है। हमने थोड़ा सा पानी बॉईल करने रख दिया है क्योंकि गट्टे उसमें बनाएंगे। तो ऐसे हमने अपनी मिर्ची को अच्छे से बेसन से कोट कर लिया है चारों तरफ। इसको ऐसे भी कोट कर सकते हैं कि बेसन की पतली रोटी पलेथन लगा के बेल लें और इसके अंदर मिर्च को रख के और उसको पैक कर दें। और हमको बहुत मोटी लेयर नहीं चाहिए बेसन की, हमें मीडियम सी ही लेयर चाहिए बेसन की। और इतनी देर हमने पानी गर्म करने रख दिया, पानी जब बॉईल होने लगे तभी इसमें डालें, उससे पहले नहीं डालें। अच्छा, हमने पानी रखा हुआ है गैस के ऊपर, जब ये बॉईल होने लगेगा तब हम इसमें ये डालेंगे। अब हमारा पानी उबल गया है तो इसमें ये हम गट्टे एक एक करके इसमें डाल देंगे। तो इसको 4-5 मिनट लगते हैं और इसका देखने का वो है कि ये गट्टे जब उबल जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएंगे अपने आप। अच्छा, तो ये उबल जाएंगे तो ये अपने आप ऊपर उठने लगेंगे और इनका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा। कलर भी चेंज हो जाएगा और ये जैसे पानी में अभी डूब रहे ना, ये धीरे धीरे ऊपर आने लगेंगे। तो इनको अभी हिलाना नहीं है ज्यादा, नहीं तो ये टूट जाएंगे। और ये अभी अगर इनको छूने की कोशिश करी तो ये बिखर के और पानी में घुलने का चांस है, इसलिए हम इसको पहले थोड़ा कुक होने देंगे तभी इसको कुछ करेंगे। अब हमारे गट्टे अच्छे से उबल गए, ये उबल के कुक हो गए हैं। इसका कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट हो गया है, तो उससे हमें पता चलेगा कि गट्टे हमारे पक गए। हाँ। अब हम इनको छलनी में निकाल लेंगे और ये जो पानी है इसको फेंकेंगे नहीं क्योंकि हम इसको ग्रेवी में यूज करेंगे। ओके, तो हमारे गट्टे अच्छे से बॉईल हो गए हैं, अब हम इसको छलनी में निकाल रहे हैं। अब जितनी देर में गट्टे ठंडे होते हैं हम अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे। ओके, तो ये हमने एक कटोरी दही लिया है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक।
और थोड़ी पिसी हल्दी, थोड़ा पिसा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च। सब मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से डालने हैं क्योंकि ये ग्रेवी बन रही है और मिर्ची कितनी तेज है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको ग्रेवी में मसाला कैसा डालना है ना अम्मा? हाँ, और अमचूर के गट्टे में बेसन होता है तो इसलिए अमचूर थोड़ा ज्यादा ही चाहिए। ओके, तो हमने दही में डाला है नमक, हल्दी, पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च एंड अमचूर पाउडर। हाँ, और इसी में हम थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालते हैं। ओके, हम इसमें थोड़ी कसूरी मेथी ऐड कर रहे हैं। और इसको हम बनाएंगे सरसों के तेल में। ओके, दही में हमने मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए। अब ये हमारा तेल इसमें गरम हो गया अच्छे से, तो हमने सरसों का तेल लिया है। आप चाहो तो ज्यादा भी ले सकते हो। अब इसमें हमने डाली हींग, क्योंकि बेसन के साथ हींग का टेस्ट भी अच्छा आता है और जरूरी भी है बेसन के साथ हींग डालना। जीरा और ये लाल मिर्च, सूखी साबुत लाल मिर्च। हाँ, जिसको आपने तोड़ लिया है। हाँ, अब इसको भून लेंगे। और इसमें हम ये दही में जो हमने मसाला मिक्स किया है वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये बहुत ही हेल्दी डिश होने वाली है क्योंकि इसमें हम बेसन यूज कर रहे हैं जो खाने के लिए बहुत हेल्दी होता है। हम तेल वगैरह कम यूज कर रहे हैं और हम इसमें दही यूज कर रहे हैं ग्रेवी बनाने के लिए, तो ये बहुत हैवी भी नहीं बनेगी, बहुत ही अच्छी लाइट बहुत टेस्टी गट्टे बनने वाले हैं। और ये जो हमने गट्टे का उबला हुआ पानी था वही पानी हम इसमें ग्रेवी में यूज करेंगे। ओके, तो उसमें थोड़ा थोड़ा जो बेसन है वो भी आ जाएगा तो वो ग्रेवी को गाढ़ा कर देगा, और दही ग्रेवी को गाढ़ा करेगा तो इससे ज्यादा गाढ़े उसकी जरूरत नहीं। ये हमारा दही पक गया है, मसाला भी इसमें पक गया है, तो इसमें थोड़ा हम पानी और ऐड कर देंगे। ओके, तो पानी हम वही यूज करेंगे जो हमने गट्टे के लिए उबालने के लिए किया था, वही पानी हमने यूज किया। अब हम गट्टे के पीसेस कर लेंगे, तो अगर मिर्च और मोटी हो तो उसके पतले भी स्लाइसेस काट सकते हैं, लेकिन हमने उतनी मोटी मिर्च नहीं ली है तो हम उसके थोड़े बड़े पीसेस कर रहे हैं। और ये जो इसके एंड पीसेस हैं जिसमें सिर्फ बेसन ही बेसन है, इस बेसन को मैश करके और हम इस ग्रेवी में ही डाल देंगे। अच्छा, तो जिससे थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। ओके, अब हमारी ग्रेवी अच्छे से बन गई है तो हम ये गट्टे के जो पीसेस हैं वो सब इसमें डाल लेंगे। ओके, अगर ये लगे कि ग्रेवी पतली है तो इसमें थोड़ा सा बेसन घोल के दही में और वो भी डाल सकते हैं, और इसको प्याज की ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं, तो दोनों ऑप्शंस हैं। तो ये बहुत ही अच्छे मसालेदार स्पाइसी से गट्टे बने हैं, बहुत डिफरेंट है, ऐसे यूजुअली बनते नहीं है, या तो प्लेन बनते हैं या गोविंद गट्टे बनते हैं, ये कुछ एक नया टेक है गट्टों पे। अब हमारे गट्टे एकदम रेडी हो गए। ओके, और इसको इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और गरम मसाला डालने के बाद इसको एज यूजुअल एक मिनट के लिए बंद कर देंगे। हाँ, तो हम गरम मसाला बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे और फिर उसके बाद उसका ढक्कन बंद कर देंगे ताकि गरम मसाले का फ्लेवर इसके अंदर ही रहे। ये गट्टे हमारे बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए, वेरी डिफरेंट, डू ट्राई इट। और अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।